हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड होता है ना, वो कैसे डाउनलोड किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है कि चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर क्या होता है, उसका एग्ज़ाम क्यों होता है और वो किस काम आता है, तो उसका मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको ये पता चल सके कि चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का एडमिट कार्ड आ चुका है और एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो देखिए, यहाँ पर आपको गूगल पर टाइप करना है एम पी ऑनलाइन। जैसे ही एम पी ऑनलाइन टाइप करके अपन को सर्च कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स अपन सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आ रही है ना, देखिए एम पी ऑनलाइन की, ये देखिए, इसमें क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स, ये जो ये आ रहा है यहाँ पर नागरिक सेवाएं का ऑप्शन है ना, ये देखिए, ये यहाँ पर नागरिक सेवाएं में जाना है। नागरिक सेवा में जाने के बाद आपको इस आवेदन में क्लिक करना है। इस आवेदन में क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर अपन को क्या सर्च करना है, विद्युत सुरक्षा। देखिए ये विद्युत सुरक्षा के ऑप्शन में जाने के बाद इसको फिर स्क्रॉल करना है नीचे। और देखिए यहाँ पर एक लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ फॉर एग्जामिनेशन ऑफ चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर, तो इसमें अपन को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अपन इसमें क्लिक करेंगे तो उसको उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करना है। और यहाँ नीचे देखिए यहाँ क्या लिखा है, डाउनलोड एडमिट कार्ड हियर, ठीक है, इसमें अपन को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अपन इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, डाल सकते हैं और एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन नंबर डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ठीक है, और यहाँ पर ये जो कैप्चर दिख रहा है ना, वो करना है, कर देना है और सर्च कर देना है। तो आपका चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का एडमिट कार्ड इजी तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से किया जाता है एडमिट कार्ड डाउनलोड। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है और ये जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है ना, ये वही प्लेलिस्ट है जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। तो इस प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर्स रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड। तो इस वाली प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट करना अगर आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है ना, इस आइकन को प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।